Hello student, how are you everybody? I hope so everybody fine. I am Sejal Pradeep Patel from Thamna Education Institute, Thamna. Today I will teach you environmental study. आज हम good habits पढ़ेंगे. उसके अंदर बहुत सारे good habits दिखाई दी है. वो उनमें से सबसे पहले है may I help you. तो ये लड़का इस लड़की से बोल रहा है may I help you, मैं आपको मदद करूं, ऐसे बोल रहा है. उसके बाद है excuse me का मतलब है दूसरी व्यक्ति को जिनको हम नहीं पहचानते उसका ध्यान हमारी तरफ खींचने के लिए हम बोलते हैं excuse me का मीनिंग क्या है, मेहरबानी करके. ओके बच्चों, उसके बाद है प्लीज शो मी योर टॉयज, मतलब मुझे तुम अपना जो खिलौना है वो दिखाते हो, ऐसा वो बोल रहा है. तो ये भी एक गुड मैनर हुई, वो रिक्वेस्ट से मांग रहा है उसके साथ. उसके बाद क्या है थैंक यू, तो ये जो लड़का है ये लड़के को थैंक यू बोल रहा है. क्यों? क्योंकि उसने उसको खेलने के लिए उसकी रिमोट वाली गाड़ी दी है, तो वो बोलता है थैंक यू. उसके बाद है सॉरी, आई एम सॉरी, तो ये लड़का से बोलता है सॉरी. क्यों बोल रहा है? क्योंकि उससे उसका टॉय टूट गया है, गाड़ी जो कार उसने खेलने के लिए दी थी वो टूट गई है, उसी हिसाब से वो उसको सॉरी बोल रहा है. उसके बाद है हेलो का मीनिंग क्या है? तो हर रोज़ मैं बोलती हूँ ना हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, तो जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उनको बोलते हैं हेलो. उसके बाद है बाय बाय, तो जब हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाता है और लास्ट में हम उससे अपने घर जाते हैं तब लास्ट में हम उनको बाय बाय बोलते हैं. तो ये सब जो है वो एक अच्छी मैनर है, और मैनर है इसीलिए वो गुड हैबिट्स कहा जाता है. ओके बच्चों, बाय बाय.